जी हाँ दोस्तों, आखिरकार पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ जब भारत लगभग मैच हार चुका था, तो उस दौरान मोहम्मद सिराज ने ऐसा क्या चमत्कार बीच मैदान पर कर डाला जिसके चलते भारतीय टीम ने इस हारे हुए मैच को जीता। और वहीं दोस्तों, इस दौरान हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हम भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच जो खेला गया उसी के अंतिम ओवर के पूरे रोमांच के बारे में तो आप सभी को बताएंगे इस हाईलाइट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप भी हमें बताइए कि भारत और वेस्टइंडीज में से आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो। अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी अगर भारतीय टीम की जीत से खुश हो पहले वनडे मैच में, तो अभी वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम ने शुक्रवार यानी कि 22 जुलाई को क्वींस पार्क ओवल में खेले गए पहले वनडे मैच में वेस्टइंडीज की टीम को 3 रनों से हरा दिया। हालांकि दोस्तों, इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त भी हासिल कर ली। और वहीं हम आपको बता दें कि इस रोमांचक मैच में भारत के 308 रन के जवाब में वेस्टइंडीज ने निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट गंवाकर 306 रन बनाए थे। हालांकि दोस्तों, ये मुकाबला जितना सुनने में आसान सा लग रहा है ना, उतना ये था नहीं। दरअसल हुआ ये कि इस रोमांचक पहले वनडे मुकाबले में जब लक्ष्य का पीछा करने के लिए वेस्टइंडीज की टीम उतरी थी, तो उसकी शुरुआत काफी ज्यादा खराब रही और 16 रन के स्कोर पर ही शाई होप 7 रन बनाकर ही पवेलियन लौट चुके थे। हालांकि इसके बाद काइल मेयर्स ने समर ब्रुक्स के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 117 रनों की साझेदारी की, जहां टॉप स्कोरर रहे काइल मेयर्स ने 68 गेंदों में 10 चौकों और 1 छक्के की मदद से 75 रनों की पारी खेली, तो वहीं ब्रुक्स ने 61 गेंदों में 40 रन बनाए। हालांकि दोस्तों, इसके बाद वेस्टइंडीज की पारी थोड़ी लड़खड़ाई और 196 रन तक पहुंचते आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। हालांकि दोस्तों, ब्रेंडन किंग ने अकील हुसैन के साथ मिलकर 6 विकेट के लिए 56 रन भी जोड़ दिए थे और एक समय पर तो ऐसा लग रहा था कि यही दोनों बल्लेबाज आज काफी होंगे भारतीय टीम के खिलाफ जीत हासिल करने में। लेकिन दोस्तों, यहां ब्रेंडन किंग ने 66 गेंदों में 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से 54 रन बनाए और इसी के साथ वेस्टइंडीज की टीम को ये काफी बड़ा झटका लगा। लेकिन दोस्तों, यहां पर हद तो तब पार हो गई जब अकील हुसैन ने रोमारियो शेफर्ड के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दरअसल हुआ ये कि आज के इस मुकाबले में अकील हुसैन ने 32 गेंदों में नाबाद रहते हुए 32 रन बनाए, तो वहीं रोमारियो शेफर्ड ने 25 गेंदों में 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। हालांकि वेस्टइंडीज के स्कोर को 300 के पार ये दोनों ही बल्लेबाज लेकर गए। हालांकि दोनों अपनी टीम को जीत की दहलीज पर नहीं करा सके क्योंकि यहां पर वेस्टइंडीज को आखिरी ओवर में जीतने के लिए 15 रनों की दरकार थी, लेकिन मोहम्मद सिराज ने हुसैन और शेफर्ड को यह रन बनाने नहीं दिए। दरअसल दोस्तों, हुआ ये कि जब मोहम्मद सिराज अंतिम ओवर लेकर अपना आए थे, तो इस दौरान मोहम्मद सिराज ने काफी ज्यादा दिमाग लगाकर गेंदबाजी की। पहली गेंद तो उन्होंने अकील हुसैन को डाली जो कि कोई भी रन उस पर नहीं पड़ा, तो वहीं जब दूसरी गेंद उन्होंने डाली तो वो लेगवाई का 1 रन मिल गया जिसके चलते यहाँ स्ट्राइक पर अब रोमारियो शेफर्ड आ चुके थे। और तीसरी गेंद पर रोमारियो शेफर्ड ने डीप स्क्वायर लेग की और बाउंड्री लगाकर चौका बटोरा और इसी के साथ 3 गेंदों में अब तक 5 रन आ चुके थे और 10 रनों की दरकार थी अगली 3 गेंदों में। हालांकि दोस्तों, फिर अगली गेंद पर 2 रन बने, यहां से फिर 5 रनों की दरकार थी और ऐसा लग रहा था कि यहां से सुपर ओवर भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने अराउंड द लेग गेंदबाजी की जिसके चलते रोमारियो शेफर्ड उस गेंद को टच नहीं कर पाए और इस गेंद पर 1 रन ही बना जिसके चलते भारत ने 3 रनों से इस रोमांचक मैच में जीत हासिल करी। तो ऐसे में दोस्तों, भारतीय टीम की जीत के साथ ही उन्होंने वेस्टइंडीज की टीम के खिलाफ अब 1-0 से बढ़त भी हासिल कर लिया। और आप इस मैच को देखने के बाद भारतीय टीम के प्रदर्शन पर क्या कहना चाहोगे? अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा।